चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत खाया जाता है। और वैसे भी आजकल मार्केट में लाल लाल गाजर तो बहुत ज़्यादा बिक रही है और बहुत सस्ती भी मिलती है। तो चलिए, हलवाई जैसा बिल्कुल, और सिर्फ 2 चम्मच घी से हम बनाएंगे गाजर का हलवा, और वो भी बिना खोया मावा के। तो चलिए, मैंने इस गाजर को अच्छे से धो करके, पील करके, उससे जो किनारे हैं वो काट लिया है। फिर हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे मोटे साइज़ का ग्रेटर ले लिया है। तो अभी हमें सारी गाजर जो है वो ग्रेट कर लेनी है, सारी गाजर जो है हमें उसे ग्रेट कर लेनी है। और जो मोटा साइज़ होता है आप वहाँ से ग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए ऐसे ग्रेट होके तैयार होगी। तो देखिए मैंने सारा जो है गाजर वो ग्रेट कर लिया है, और फिर अभी बारी आती है इसको पकाने की। तो चलिए अभी मोटे तले वाली कढ़ाई रख देंगे हम, और फिर उसमें हम गाजर को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हो। बस उसे 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे ऐसे पका लेंगे, और फिर उसके तुरंत बाद हम लोग डालेंगे चीनी, 1 कप चीनी। आप कोई भी 1 कटोरी सेट कर लो, वही माप से लेना। तो वो कटोरी से मैंने 1 कप चीनी डाल दी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही अगर चीनी डाल देंगे तो गाजर जो है वो अपना जो वाटर रिलीज़ करती है वो जल्दी से पक जाती है, तो वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में चीनी नहीं डालोगे, पहले इसको गाजर को सुखाओगे, फिर वो अपना पानी रिलीज़ करेगी, फिर आप जब चीनी डालोगे फिर उसको सुखाना पड़ेगा पानी को। तो इससे अच्छा हम पहले से ही चीनी डाल देंगे, ये जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता गाजर का हलवा बनाने में। अगर आपको जल्दी बनाना है तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। और फिर जब ये थोड़ा सा पक जाए, ये देखिए पानी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो रहा है, ये गाजर अपना पानी छोड़ रही है, तो मतलब ये पकना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखोगे जैसे जितनी हम लोगों ने गाजर ली थी उससे आधी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट अभी सारा पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम लोग 1 स्पून इसमें डालेंगे घी, ताकि वो घी का फ्लेवर भी अंदर तक जाए और इसकी जो शाइन है वो भी एकदम ऐसे ही की ऐसी रहे। तो बस उसे अच्छे से हमें स्लो गैस पे चलाते हुए पका लेना है। इस स्टेज पे अभी हमें गैस को हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना जो गाजर का हलवा है हमारा वो जल सकता है नीचे से। तो बस इसे घुमाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। तो जो माप से मैंने चीनी ली थी वही कप मैंने यूज़ किया है, और उसी से मैंने दूध लिया है। दूध हम लोग कम इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें दूध को भी सुखाना पड़ता है, तो हमें भी स्लो गैस पे ही इसे पकाना पड़ेगा जैसे ये गाजर के अंदर तक जाए। अगर हम दूध ज़्यादा डालेंगे तो उसे पकाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो दूध कम डालोगे और स्लो गैस पे पकाओगे तो वो गाजर अंदर सोक कर लेगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो अभी बारी आती है मलाई डालने की। अगर आपको खोया नहीं है या आप बिना खोए के बनाना चाहते हो, तो जो मलाई आती है दूध वाली मलाई, बस वही इसमें डाल दीजिएगा। मेरे पास सिर्फ 5 से 6 स्पून ही थी, तो मैंने इतनी ही डाली। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 1 कप तक डाल सकते हो, क्योंकि इसमें जो वो फ्लेवर है, फिर वो मावा का फ्लेवर आ जाता है गाजर के हलवे में, क्योंकि आपको पता है मलाई से ही तो खोया, मावा, ये सब बनता है घी, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये देखिए हमारा जो दूध है वो सोख हो चुका है गाजर के हलवे में। तो बस अभी इसे घुमाते हुए चला लेंगे। लास्ट में बारी आती है छोटी इलायची के पाउडर की। तो इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे और खसखस डाल देंगे। खसखस और छोटी इलायची का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, और इसमें जो टेक्सचर आता है वो दानेदार आता है, एकदम हलवाई जैसे। जो इसकी खुशबू होती है वो तो लाजवाब होती है। इसके लिए हम ये सबसे लास्ट में डालेंगे। बस फिर क्या है, ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें खोया डाला है, क्योंकि मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं थी उससे ज़्यादा।
आपके पास अगर खोया नहीं है, मलाई है, तो आप बिल्कुल मलाई यूज़ कर सकते हो। बस फिर एक स्पून हम इसमें घी डाल देंगे और उसे अच्छे से घुमा लेंगे। ये देखिए हमारा जो गाजर का हलवा है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, क्योंकि ये गाजर पूरी तरीके से पक चुकी है। बस फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे नट्स। तो नट्स के लिए मैंने यहाँ पे घी को गरम कर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा फ्राई करके नट्स डाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें फ्राई करते हैं ना नट्स, तो उसका जो क्रंची सा फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। और हमें इसे स्लो गैस पे ही पका लेना है, वरना जो ड्राई फ्रूट्स है वो जल सकते हैं। बस फिर यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करना भूल गई, तो बस मैंने इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया था। तो अभी इसको सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। जब भी ठंडी ठंडी हवा चलती है रात को, तब गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का स्वाद ही कुछ और है। तो बहुत ही टेस्टी बनना है गाइस, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। और जल्दी से बन जाता है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, बहुत थोड़े से टाइम में बन के तैयार हो जाता है, और सिर्फ 2-3 स्पून घी से ही बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।